तो आज हम पढ़ रहे हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के बारे में समझ लें कि कह रहा है कि स्विच स्टेटमेंट भी इफ कंडीशन की तरह ही काम करती है और ये भी कंडीशन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब ये कह रहा है स्विच स्टेटमेंट लेट्स द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल और एक्सप्रेशन डिटरमाइन वेदर वेयर द प्रोग्राम विल बी ब्रांच। ठीक है, तो कौन से एक्सप्रेशन को टेस्ट करके कंडीशन को परफॉर्म करना है और उस प्रोग्राम के कौन से पार्ट को रन करना है। अब ये अगर इफ की तरह इस्तेमाल होती है तो इसको बनाने का क्या मकसद था? यहाँ पर थोड़ा सा इसका पहले स्ट्रक्चर देख लें कैसा है। स्विच लिखना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन बताना है और उसके साथ केस लिखना है। केस के साथ आप यहाँ जो भी केस बताएंगे वो यहाँ पे परफॉर्म करेगा ये, और इसके साथ एक स्टेटमेंट जो है ब्रेक स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल होगा। जितने केस चाहे हम बता सकते हैं और डिफॉल्ट में जो बाय डिफॉल्ट परफॉर्म कराना है वो यहाँ पे बताएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टार्ट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, अ वेरिएबल ऑफ एनी इंटीजर डेटा टाइप्स इंक्लूड चार। किसी भी वेरिएबल को या किसी भी कैरेक्टर को हम इसमें टेस्ट करा सकते हैं। अच्छा, एक्सप्रेशन क्या होता है? वैल्यू इज ऑफ एनी इंटीजर डेटा टाइप, किसी भी इंटीजर डेटा टाइप की जो वैल्यू होती है उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। बहरहाल अभी हम नीचे आते हैं, इसके अंदर दो बातें समझने की है। द एक्सप्रेशन ऑफ ईच केस स्टेटमेंट इज ब्लॉक मस्ट बी यूनिक, यानी कि दो केस एक जैसे नहीं लिख सकते, दोनों को अलग अलग होना चाहिए। और दूसरी बात ये कह रहा है द एक्सप्रेशन फॉलोइंग ऑफ द वर्ड केस मस्ट बी एन इंटीजर, केस के आगे जो भी आप चेक करेंगे या तो वो इंटीजर लिटरल होना चाहिए और कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इट कैन नॉट बी अ वेरिएबल और इट कैन नॉट बी एन एक्सप्रेशन, यानी कि आप वेरिएबल को केस के साथ नहीं लिख सकते और ना ही कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो फिर ये चेक करो। ठीक है, जबकि इफ के अंदर हम ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं, यही इसके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, स्विच और स्विच स्टेटमेंट में और इफ के अंदर ये फर्क है कि इफ में आप वेरिएबल को भी कंडीशन के तौर पर टेस्ट कर सकते हैं और एक्सप्रेशन को भी कंडीशन के तौर पर टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्विच स्टेटमेंट में ये दोनों काम ही नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ आप या तो कोई इंटीजर नंबर ले सकते हैं जो भी क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट नंबर होना चाहिए, या फिर आप कॉन्स्टेंट ले सकते हैं यानी कोई कैरेक्टर वगैरह ले सकते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल को हमें समझने के लिए इसने यहाँ समझाया है, इसने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, इसने एक चार करके चॉइस वाला वेरिएबल लिया है सिंगल कैरेक्टर, और इसमें कहा है सी आउट एक मैसेज दिखाया ए बी सी, और यहाँ पे सी इन करके इनपुट ले लिया। अब इसको कैसे चेक किया? स्विच और चॉइस को डाल दिया ब्रैकेट के अंदर, और ये स्विच के दो बने बॉडी ब्रैकेट्स। ठीक है, और उसके बाद इसमें जितने केस लगाने हैं वो लगा दे, इस लिखा केस ए केस बी केस सी, और इसके अंदर तीन अलग अलग आउटपुट लिए, साथ में एक और कमांड यूज़ किए, ब्रेक फंक्शन को भी यूज़ किया है। ब्रेक फंक्शन लाजमी, अगर आप ब्रेक फंक्शन नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा, ये सबको ही परफॉर्म कर देगा। ये ब्रेक फंक्शन लगाने से होता ये है कि अगर यहाँ पे केस मैच हो गया तो यहीं से प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, नीचे वाले बी और सी को परफॉर्म नहीं करेगा, और अगर यहाँ पे परफॉर्म हो गया तो इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, इसको परफॉर्म करेगा और यहीं से एग्जिट हो जाएगा। और अगर तीनों ही नहीं हो सके, मिसाल के तौर पे ए बी सी तीनों ही नहीं हो सके, तो फिर ये वाला कोड परफॉर्म कर देगा डिफॉल्ट के साथ जो आ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये इजीली किया जा सकता है। अभी भाई इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो यहाँ से हम डेव सी में गए और यहाँ से जाके क्लिक कर दिया, तो फाइल में जाके न्यू किया हमने और यहाँ से कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, बल्कि हैश इंक्लूड कर दिया यहाँ से आई ओ स्ट्रीम। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। ठीक है, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटीजर मेन। स्विच स्टेटमेंट को यूज करने के लिए कोई हेडर फाइल एक्स्ट्रा एड कराने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी हमारी आई ओ स्ट्रीम फाइल में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम को हमने क्या लिख दिया, पास कर दिया, और यहाँ से सेमीकॉलन लगा के रिटर्न जीरो कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आ गए ऊपर की तरफ, कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं फाइल को, और यहाँ पे जाके ब्लॉसम के अंदर हम सेव कर देते हैं इस फाइल को अपने फोल्डर में, और इसका नाम रख लेते हैं क्लास 16 स्विच स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सेव कर दिया। अब तो कैसे लिखेंगे, देखिए इस तरह का प्रोग्राम जिसमें हम चॉइस चाह रहे हैं किसी की भी और उसको हम देख रहे हैं कि उसका रिजल्ट वो आ रहा है या नहीं आ रहा, जैसे इसका प्रोग्राम को हम लिख लेते हैं चार करके, हमने चॉइस नाम का एक सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया, स्विच करके उसको इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, ये हमने उसका बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया स्विच। ठीक है, तो इसके अंदर इसको डाल दिया, और उसके बाद नीचे आके यहाँ पर हमने इसके स्विच के बॉडी बना दिया। लाजमी बात है कि अब इसके ऊपर कोई इनपुट होगा जब ही तो वो दिखाएगा, तो हमने यहाँ पे सी आउट करके एक मैसेज दिखाया यूजर के लिए कि भाई ये क्या चाह रहे हो, तो हमने कहा एंटर ए बी सी डी। ठीक है, और अब वो यूजर देखेगा कि भाई मुझे यही एंटर करना है, तो वो इसके आगे एंटर करेगा। ठीक है, और इनपुट के लिए हमने क्या यूज कर लिया, सी इन। अब यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर का इनपुट लेना है तो सी इन ही सही रहेगा, सही है ना, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर का इनपुट ले रहे हैं, अगर सी इन गेट करेंगे तो वो तो फिर स्पेस और इंटर का भी इनपुट ले लेता है, तो सी इन करके यहाँ पे लगाया हमने। सो क्या कहते हैं इसको, एक्सट्रैक्शन, इन साइंस को क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन।
ठीक है ना, और इसको हम क्या कहते हैं, इंसर्शन, याद रखिएगा ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट ले लिया हमने किसके अंदर, चॉइस के अंदर, चेक हो गया। अब यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, केस लिखेंगे। अब केस कितने बनाने, हमने ए बी सी डी को चेक करना है। तो अब याद रखें कि यहाँ पे अगर उसने हमें कहा था कि दो चीजें आप यूज कर सकते हैं, या तो इंटीजर लिटरल या कांस्टेंट। अब इंटीजर लिटरल का मतलब है कोई भी नंबर, नंबर तो है नहीं इसमें, कांस्टेंट मतलब कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, तो वर्ड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो उसको हमेशा लिखते हैं किसके अंदर, सिंगल कैरेक्टर को, सिंगल कोट के अंदर। तो कैपिटल ए को चेक करना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया कॉलन, ठीक है। अब एक्सप्रेशन क्या भाई, अगर ये तो लिख दिया, अब ये परफॉर्म क्या करेगा, उसके लिए हम इसकी भी बॉडी बना सकते हैं इस तरीके से, और जो परफॉर्म करवाना है वो यहाँ लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ लिख देते हैं सी आउट लेस देन लेस देन, और एंड लाइन, न्यू लाइन लेके लेस देन लेस देन, यू यू हैव प्रेस्ड, क्या सपोज ए, ठीक है। ये हमने एक मैसेज इसके ऊपर दिखा दिया, और उसके बाद यहाँ पर हमने इसको दोबारा से एंड लाइन लगा दिया, और यहाँ पर हमने एंड लाइन लगा के यहाँ ऑफ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो इसके पैरेलल यूज होगी, वो होगी ब्रेक स्टेटमेंट। अगर आप ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम क्या करेगा, चारों परफॉर्म करेगा। अब उसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ओके, केस ए हो गया। अब कितने केस हमें परफॉर्म करने हैं, यहाँ पे चार करने हैं। तो ए बी और यहां पे ले लिया हमने सी, और यहां पे क्या ले लिया हमने डी, और फाइनली डिफॉल्ट, ये भी कमांड है, ये इसके साथ यूज होगा, ठीक है। और यहां पे हमने लगा दिया कॉलन, और यहां पर हमने फिर डिफॉल्ट पे जो हमें बताना है, और ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, सेव कर दिया। यहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम को रन कर लिया। जैसे ही प्रोग्राम को रन कर लिया, तो यहाँ पे जाके हमने इनपुट मांगा इसने हमसे, यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज टू बी बी, तो कौन सा कोड रन हुआ, यू हैव प्रेस्ड बी की, एंटर करके नीचे आ गए, यहाँ पे क्लिक किया, F11 दबाया, यहाँ पर जाके हमने दबाया डी, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यू हैव प्रेस्ड डी की, ठीक है। यहाँ पे डी की के बारे में आ रहा है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जाके दबाया सपोज टू बी ई, तो इसने कहा यू डिड नॉट प्रेस ए बी सी डी की। समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि इस तरह से हम अगर कोई कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट लेंगे, हाँ वो स्ट्रिंग फिर यूज करेंगे, लेकिन अभी कांस्टेंट पे बात चल रही है, वर्ड पर अभी बात नहीं है, ठीक है ना। अगर हम कांस्टेंट इनपुट लेंगे तो यहाँ पर होगा ये कि वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं इनपुट के लिए, और उस वेरिएबल को डालेंगे स्विच में, लेकिन केस में यहाँ पर वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ना ही कोई एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। अब क्या नहीं लिखा जा सकता वो समझ लें, जैसे आप ये नहीं लिख सकते थे केस चॉइस, स्विच स्टेटमेंट इसको डिनाई करेगा क्योंकि ये वेरिएबल है। आप ये नहीं लिख सकते थे मिसाल के तौर पे एज ग्रेटर देन 20, ये काम हम कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया जो हमें मैच होने पे एक पॉइंट पे परफॉर्म कर रहा है, और बाकी जो इसके पॉइंट्स हैं उनको ये स्किप कर रहा है, ठीक है। ये हो गई हमारी स्विच स्टेटमेंट। अब इसी के अंदर थोड़ा चेंज देखते हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज ना करें, किसको यूज ना करें, ब्रेक स्टेटमेंट को, तो फिर क्या होगा। तो मैं ब्रेक स्टेटमेंट को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिसेबल करता जा रहा हूँ। ये देखिए, अब मैंने सब में से ब्रेक स्टेटमेंट को क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। जैसे ही मैंने ब्रेक स्टेटमेंट को डिसेबल किया, तो यहां पर आप देखेंगे कि जैसे हमने F11 दबाया, तो यहां पर देखिए, अब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ए लिख रहा हूँ, तो भी सारा कोड रन हो रहा है, ठीक है। और यहां से मैं बी लिख रहा हूँ, तो भी सारा कोड रन हो रहा है, और यहां से मैं
अगर कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, सपोज ओ लिख रहा हूँ, तो सिर्फ जाके डिफॉल्ट वाला कोड रन हो रहा है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? ब्रेक स्टेटमेंट ये करता है जो भी कोड मैच हो गया केस के साथ उसको परफॉर्म करता है, और परफॉर्म करने के बाद जैसे ही ब्रेक पर आता है तो वो स्विच स्टेटमेंट के इस बॉडी में से उसको क्या कर देता है, एग्जिट कर देता है, यानी कि डायरेक्ट इसको बाहर निकाल देता है। यहाँ पे बात समझ में आ गई? तो इसलिए ब्रेक लाजमी है, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो जहां जहां मैच होगा वो भी परफॉर्म होगा और उसके नीचे वाले भी सारे परफॉर्म होते चले जाएंगे। तो ये तो एक यूटिलाइजेशन हो गया हमारा स्विच स्टेटमेंट का।